हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइपराइटर के फाइनल एपिसोड और इसकी एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में, ताकि इससे आपको मदद मिले कि आप इस सीजन वन को काफी आसानी से समझ सको। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले जल्दी से ये जान लेते हैं कि इसके पहले वाले एपिसोड में हुआ क्या था। पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि फकीर ने माधव मैथ्यू को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया था, जिसके बाद फकीर के ही कहने पर माधव ने उसकी लाश को अपने बारदेश विला में रखवाया था, ताकि माधव ये चेक कर सके कि क्या सच में फकीर मरकर जिंदा हो सकता है या नहीं। और वैसा ही हुआ, लेकिन इस बीच फकीर का प्लान यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि जब फकीर उठकर वहाँ से भागने की तैयारी में था तो उसके सामने इंस्पेक्टर अशोक थे, जिन्हें मारते वक्त ही माधवी मैथ्यूस ने अपने टाइपराइटर को उठाकर फकीर के सर पर दे मारा, जिस वजह से फकीर की आत्मा अब उस टाइपराइटर में अटक गई है। और अब इसकी पहेली सैम और उसके दोस्तों ने मिलकर सुलझा ली है, बट सैम और उसके दोस्तों को ये बात नहीं पता है कि किस तरीके से फकीर की आत्मा को खत्म किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जेनी ने सपने में खुद के ही हमशक्ल को देखा, जिसके बाद से उसे सैम की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है। और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके फाइनल फिफ्थ एपिसोड पर, जिस एपिसोड का नाम है द नाइट ऑफ द ब्लड मून। खैर, तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जेनी का पास, जिस पास में वो अपने ग्रैंडफादर के ऑफिस में खेल रही थी। और खेलते खेलते जेनी सीधे पहुंच जाती है उसके दादू के टाइपराइटर के पास, जिसमें फकीर की आत्मा है। और उसके बाद जब जेनी उस टाइपराइटर पर टाइप करना शुरू करती है, तो एक पॉइंट पर आकर टाइपराइटर की बटन अटक जाती है, जिसे जोर से प्रेस करने के बाद जेनी के हाथ से खून निकलने लगता है, मानो जैसे उस टाइपराइटर ने ही ये काम किया है ताकि वो फिर से जिंदा हो सके। और उस टाइम पर हमें टाइपराइटर पर एक छोटा सा डैमेज भी दिखाया जाता है, और ये डैमेज फकीर को मारते वक्त बना था। लेकिन जेनी के खून के मिलने के बाद अब वो टाइपराइटर पहले जैसा बिल्कुल नया है। खैर, तो उसकी थोड़ी देर बाद जेनी चिल्लाकर अपनी मॉम को बुलाती है, और वो वहाँ पर आकर जेनी को अपने साथ ले जाती है। और जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि टाइपराइटर बिल्कुल नया हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है ये एपिसोड। खैर, तो उसके बाद हम देखते हैं जेनी को, जो अपने ग्रैंडफादर की ही ऑफिस में खड़ी हुई है, लेकिन इस बार वहाँ पर टाइपराइटर है नहीं, मानो जैसे किसी ने उस टाइपराइटर को चुरा लिया है। और ये बात जेनी अपने हस्बैंड पीटर से भी कहती है, जो उस वक्त मुंबई की तरफ निकल रहा था, क्योंकि पीटर पर एक दूसरी बड़ी मुसीबत आई हुई है जिसे उसे जल्द से जल्द सॉल्व करना है। लेकिन जाते वक्त वो लोग टाइपराइटर के बारे में कुछ बात करते हैं कि टाइपराइटर कहाँ पर गया होगा। फिर उसके बाद जेनी ये कहती है कि शायद टाइपराइटर उन लोगों की बेटी ने कहीं पर हटा दिया होगा, जिसका मतलब साफ है कि अब उसका मन भर गया। और पीटर के वहाँ से जाने के बाद जेनी अपने कमरे में जाती है और आईने में जाकर अपने होंठ को चेक करती है, जिसमें एक जख्म का निशान है। और ये निशान जेनी को रात के वक्त सपने में उसी की हमशक्ल ने दिया था, यानी एक हिसाब से जेनी जो सपना देख रही थी वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। जिसके बाद जेनी यहाँ से सीधे सैम के पास चली गई है, ताकि वो उससे इन सभी बातों को डिस्कस कर सके। जिसके बाद सैम जेनी को ये सारी की सारी सिचुएशन समझाती है कि टाइपराइटर में ही फकीर का भूत रहता है जो उसकी शेप ले सकता है, इसलिए उन लोगों को टाइपराइटर को ढूंढना होगा। जिसके बाद जेनी ये बताती है कि घर में टाइपराइटर फिलहाल तो अभी है नहीं, और उसे नहीं पता कि टाइपराइटर कहां पर गया। लेकिन इन सब के बीच जेनी को सैम की ये सारी की सारी बातें काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों पर भरोसा करती है, क्योंकि उसके लाइफ में भी कुछ इसी तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे थे। जिसके बाद सैम को अब एक ही रास्ता नजर आता है कि उन लोगों को किससे मदद मांगनी चाहिए, यानी यहां पर सैम जेनी को फिर से उसी कार्निवल में ले गई है, जिस कार्निवल में डॉक्टर स्प्रिट आए हुए हैं, जिन्हें इसके पहले सैम ने सारी की सारी डिटेल दी थी गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर और उसके टाइपराइटर से रिलेटेड। लेकिन इस बार जब सैम डॉक्टर स्प्रिट से मिलने जाती है, तो डॉक्टर स्प्रिट का बर्ताव बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, मानो जैसे उन दोनों की टाइपराइटर से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं हुई, क्योंकि इसके पहले डॉक्टर स्प्रिट ने सैम की उन सभी बातों को काफी ज्यादा ध्यान से सुना था। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है, वो इस बार सैम से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। और देखते ही देखते ये बात अब जेनी को भी पता चल गई है कि डॉक्टर स्प्रिट एक इंसान है जो भूतों को देख ही नहीं सकते, यानी कार्निवल के टाइम पर डॉक्टर स्प्रिट को लेकर बस सिर्फ कुछ एड्स करने होते थे, इसीलिए बच्चे ज्यादातर तो उनसे अट्रैक्ट होकर इस कार्निवल में आते थे। लेकिन यहाँ पर ये सारा का सारा मैटर फिलहाल तो सैम को समझ नहीं आ रहा है, बट जेनी सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए वो सैम को अपने साथ ले जाती है। लेकिन इन सब के बीच इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब डॉक्टर स्प्रिट सैम को भला बुरा कह रहे थे, तो जेनी ने उसकी साइड ली और ये भी कहा कि एक्चुअल में वो उसकी मॉम है। जिसके बाद सैम जेनी की तरफ बस देखती रह गई, और उसके बोलने पर वो जेनी के साथ चली गई। और रास्ते में चलते वक्त यहाँ पर सैम का मुंह खुल गया कि उसे ये सारी की सारी डिटेल एक्चुअल में मोजेस ने दी थी। जिसके बाद जेनी को भी ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में मोजेस सारा का हस्बैंड है। और दूसरी तरफ आ जाए डॉक्टर स्प्रिट पर, तो हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में वो टाइपराइटर डॉक्टर स्प्रिट के पास है, यानी डॉक्टर स्प्रिट एक जादूगर नहीं बल्कि एक शातिर चोर है, जो अब उस टाइपराइटर को लेकर बादवेज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच उनका रास्ता रोके बीच में रॉय खड़ा है, जो उनसे ये कहता है कि अब तक उन दोनों की डील खत्म नहीं हुई, और जब तक वो उसे टाइपराइटर नहीं दे देंगे तो फिर बात आगे
आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब फकीर जिंदा होगा तो वो डॉक्टर स्प्रिट को भी इनाम देगा, लेकिन डॉक्टर स्प्रिट यहाँ पर फकीर की उन सारी की सारी पावर्स को खुद अकेले पाना चाहते हैं, इसलिए वो रॉय पर हमला करते हैं और इस दौरान रॉय मौका देखकर डॉक्टर स्प्रिट को वहीं पर मार देता है उन्हीं की नाइफ से। उनकी गाड़ी और टाइपराइटर लेकर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ सैम मोसेस से मिलने आई है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं बल्कि जेनी के साथ आ गई है, जिसके बाद मोसेस जेनी को टाइपराइटर की और इन्फॉर्मेशन देता है और ये भी बताता है कि ब्लड मून से पहले उस टाइपराइटर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा इन्फो खुद मोसेस के पास भी नहीं है, क्योंकि रॉय ने उसे यही डिटेल दी थी। जिसके बाद जेनी रॉय के बारे में और बातें जानने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर मोसेस को कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअल में रॉय है कौन और वो ये सब क्यों कर रहा है। और फिर जेनी सैम और मोसेस को ये सलाह देती है कि उन लोगों को पुलिस के पास जाकर सारी की सारी इन्फो देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। बट अब यहाँ पर मोसेस पुलिस को जाकर कुछ भी बयान देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी काफी सारी मुसीबत के सर पर मोड़ ली है, और अगर ये सारी की सारी बात रॉय को पता चली तो डेफिनेटली रॉय मोसेस को छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद सैम मोसेस को मनाती है, जिसके बाद मोसेस में फिर से हिम्मत आ जाती है और वो पुलिस स्टेशन जाकर सारी की सारी डिटेल देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। और जाने से पहले वो उसके पास रखे फकीर के बनाए हुए उसी टॉय को निकालकर जेनी को देता है और ये कहता है कि बचपन में उसने ही उसे इस टॉय को दिया था। बट जेनी को यहाँ पर बचपन की कुछ भी बातें याद नहीं है, जिसके बाद वो लोग अब सीधे चले गए हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पर मोसेस ने रॉय से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल भी दे दी है और उसका स्केच भी बनवा रहा है। जिस स्केच के रेडी होने के बाद वो स्केच जेनी को दिखाया जाता है। इस बीच सैम उस स्केच को देखकर ये पहचान लेती है कि एक्चुअल में ये स्केच उनके अमित सर का है, जिसके बाद रवि अपने पार्टनर को अमित रॉय की सारी डिटेल निकालने के लिए कहता है, वो भी जल्दी। लेकिन उससे पहले फकीर की बनाई उस डॉल को लेकर रवि जेनी से कुछ क्वेश्चन भी पूछता है कि ये डॉल उसकी थी तो उसे कुछ याद क्यों नहीं, जिसके बारे में जेनी वहां पर यही कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता इस डॉल से रिलेटेड। जिसके बाद वहां पर रवि का पार्टनर आकर ये भी कहता है कि ये डेफिनेटली एक डॉल है, और फिर उसके बाद रवि ये कहता है कि देखने पर ये एक छोटा इंसान लगता है, अच्छा हुआ उसने उसे इसके बारे में बता दिया कि एक्चुअल में ये एक डॉल है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगा। खैर तो अब आ जाते हैं दूसरे सीन पर, जहां पर हम देखते हैं कि रवि सीधे पहुंच गया है रॉय के घर पर, जहां पर पहुंचते के साथ में ही उसे जेनी का वही टाइपराइटर नजर आता है और इस बीच वो इस टाइपराइटर के चोरी होने की खबर की भी बात करता है। जिसके बाद अमित ये कहता है कि ये टाइपराइटर उसका खानदानी टाइपराइटर है, और उसके बाद रवि अमित से ये भी पूछता है कि तुम्हारे हाथ में मार कैसे लगी, जिसके बाद वो कहता है कि वो घर में फिसल गया। और फिर यहाँ पर टाइपराइटर का जिक्र फिर से आता है, जिसके बाद अमित ये कहता है कि इसी कंपनी के काफी सारे टाइपराइटर है जो शायद मार्केट में अवेलेबल हो गए, और शायद जो उनका टाइपराइटर चोरी हुआ होगा वो ये टाइपराइटर नहीं। जिसके बाद रवि ये भी कहता है कि एक नाम के दो शख्स जिनका पैशन भी सेम है और एक ही स्कूल में दोनों पढ़ाने कैसे आ सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों शख्स का सिर्फ नाम ही मिलता है बल्कि शक्ल नहीं, और जो अमित रॉय को वो ढूंढ रहा है वो पिछले एक महीने से गायब है। और इतना बोलते वक्त ही अमित रवि को मारकर वहां से टाइपराइटर लेकर भाग जाता है, और इस बीच इन दोनों के बीच शुरू होती है एक चेजिंग, जिसके दौरान रवि अमित तक पहुंच जाता है और उसकी कार में भी बैठ जाता है, जिसके बाद अमित रवि पर इतना ज्यादा भारी पड़ता है कि वो उसे कार से धक्का दे देता है, लेकिन गिरते वक्त अमित अपने साथ उस टाइपराइटर को ले जाता है, यानी ना चाहते हुए भी अमित को अब रवि का सामना करना पड़ेगा। बट पुलिस स्टेशन में रवि का पार्टनर उसका मजाक उड़ाता है कि उसे लेफ्ट से ब्लॉक करना चाहिए था, और इस दौरान वहां पर जेनी भी पहुंच जाती है, जिसके बाद जेनी को उस टाइपराइटर को दिखाकर ये कंफर्म किया जाता है कि एक्चुअल में वो टाइपराइटर जेनी का ही है। और फिर जेनी भी रवि की शक्ल पर देखकर उससे यही पूछती है कि उसके साथ हुआ क्या, जिसके बाद रवि का पार्टनर उस सारी इंसिडेंट्स के बारे में बताता है, जिसे सुनते के साथ में ही जेनी उसे लेफ्ट से ब्लॉक करने का एडवाइस देती है। और उसके बाद रवि जेनी से ये पूछता है कि क्या वो टाइपराइटर अपने साथ अपने घर ले जाएगी, जिसके जवाब में जेनी ना कहती है, क्योंकि इस चीज की वजह से उसके घर पर एक बड़ी मुसीबत आ सकती है जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए टाइपराइटर पुलिस स्टेशन में ही रहे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद जेनी अपने घर पे पहुंचते वक्त ही अपने हस्बैंड पीटर से बात कर रही होती है, जो इस वक्त मुंबई में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गया है, और उसे जेनी वहां पर अमित के बारे में भी सब कुछ बताती है। जिसके बाद पीटर अपनी वाइफ को ये एडवाइस देता है कि अगर वो चाहे तो वो अभी ही घर के लिए निकल सकता है, जिसके बाद जेनी उसे ना आने की सलाह देती है, यानी वो अपना काम कर ही वापस आए, जिसका मतलब है कि पीटर कल सुबह तक ही अपने घर पर रिटर्न आएगा। जिसके बाद जेनी अपने विला के ऊपर वाले कमरे में जाती है, जहां पर फकीर के सामान रखे हुए है और उसमें फकीर की एक स्केच की हुई फोटो भी, जिस फोटो को वो उस डॉल के साथ में मैच कर देखती है, यानी उस डॉल की वो एक फोटो खींचती है और उसे जूम कर उन दोनों ही शक्लों को मिलाने की कोशिश करती है, जो बिल्कुल मैच होती है, यानी ये डॉल एक्चुअल में फकीर के जैसी ही दिखती है। जिसके बाद ये सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है कि सैम और गबरू बंटी के घर पर उसके माता पिता को मनाने के लिए आए हैं कि उसे बोर्डिंग बिल्कुल भी ना भेजे, लेकिन अब बंटी के पापा यहाँ पर एक शर्त रखते हैं कि बदले में उन दोनों को बंटी से दोस्ती तोड़नी होगी, तभी जाकर बंटी को हॉस्टल नहीं भेजेंगे, जिसके बाद वो लोग इस बात पर एग्री करते हैं। जिसके बाद सैम अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर एक आखिरी प्लान बनाती है, यानी गोस्ट क्लब का एक आखिरी मिशन, और ये मिशन है गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर को देखने का, जो उस टाइपराइटर में कैद है, लेकिन टाइपराइटर पुलिस स्टेशन
बिल्डिंग के अंदर बंद है, जिसे वहां से निकालने में उन लोगों को निक की मदद चाहिए। और उसके बाद वो सभी लोग निक के पास जाते हैं, जिस दौरान सैम निक से सॉरी भी कहती है और उसे इस मिशन को पूरा करने के लिए कहती है, जिसके बाद निक भी उनकी इस बात को मान जाता है। बट यहाँ पर निक को ये नहीं पता कि टाइपराइटर को किस तरीके से पुलिस स्टेशन से निकाला जाए, लेकिन सैम के पास उसका भी बंदोबस्त है। और दूसरी तरफ निक की बड़ी बहन और उसकी मॉम बाहर जा रहे हैं, यानी निक की बहन जा रही है स्कूल ट्रिप पर और निक की मॉम शॉपिंग करने, यानी रास्ता उन लोगों के लिए बिल्कुल साफ है। और यहाँ पर सैम की प्लानिंग है कि गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर को देखने के बाद वो लोग टाइपराइटर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और टाइपराइटर को लाने का जो सैम का प्लान है वो पूरी तरीके से काम आया, क्योंकि उस टाइम पुलिस स्टेशन में उसके पिता नहीं थे, यानी उसके पिता के पार्टनर जिन्हें उन सभी बच्चों ने एक लेटर दिखाकर बेवकूफ बनाया। और ये बात खुद रवि वहाँ पर आकर बताते हैं उस लेटर को देखने के बाद, जिसमें लिखा हुआ था कि जेनी को वो टाइपराइटर वापस चाहिए, और इस लेटर को लेकर निक ही वहाँ पर आया था। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सभी के सभी बच्चे जो उस टाइपराइटर को लेकर बारदेस विला की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बीच गबरू ये कहता है कि उन लोगों को अगर गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर देखना है तो इस टाइपराइटर को यहीं पर रखते हैं, जिसके बाद ब्लड मून के वक्त वो लोग इस गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर को देख लेंगे। जिसके जवाब में सैम ये कहती है कि गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर तब बाहर निकलेगा जब टाइपराइटर उसकी सही जगह पर होगा, यानी जहाँ पर फकीर को मारा गया। क्योंकि इसके पहले जब बारदेस विला में कोई भी नहीं रहता था तो किसी ने भी फकीर की आत्मा को नहीं देखा, और रीजन था टाइपराइटर का उस जगह पर से हटना, जिसे इसके पहले घर में काम कर रहे लोगों ने हटाया होगा घर की सफाई करते वक्त। लेकिन जब जेनी और उसका परिवार इस घर में फिर से रहने के लिए वापस आया तो एना के कहने पर इस टाइपराइटर को फिर से उसकी पुरानी जगह पर रख दिया गया, जिस वजह से फकीर का भूत फिर से बारदेस विला में आ गया। और अब अगर उन लोगों को गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर का भूत देखना है तो टाइपराइटर को उसकी सही जगह पर होना चाहिए, वरना गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर कभी भी बाहर नहीं आएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगला सीन, और अगले सीन में हम देखते हैं जेनी को जो एक्चुअल में शॉपिंग मार्केट नहीं बल्कि मोजेस के पास गई है अपने बचपन के पास के बारे में कुछ जानने के लिए। लेकिन जैसे ही मोजेस उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है टाइपराइटर से रिलेटेड, अच्छा है टाइपराइटर अब उस विला में नहीं है और अब वापस आना भी नहीं चाहिए, वरना एक बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले उसी ने ही यानी यहाँ पर मोजेस उसे बचपन की वो बात बताने वाला था जिस वजह से फकीर फिर से जिंदा हुआ था। लेकिन ये बात मोजेस के बताने से पहले ही वहाँ पर अमित आ जाता है, यानी रॉय, जिसे आज के दिन उन दोनों की जरूरत है। जिसके बाद वो मोजेस से फकीर को देने की बात करता है, जिसके बाद मोजेस अपना मुंह नहीं खोलता। और देखते ही देखते अमित बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और नाइफ निकालकर मोजेस को मारने ही वाला होता है कि जेनी अपना मुंह खोलती है और ये बताती है कि फकीर बारदेस विला में उसने रखा हुआ है। जिसके बाद वो जेनी की इस कहानी के बारे में बात करता है, जिस कहानी को जेनी ने शुरू किया था और वो कहानी जो कई साल बाद अमित को यहाँ पर ले आई। इतना बोलकर अमित मोजेस को वहाँ पर नाइफ से स्टैब करता है, जिस वजह से मोजेस वहीं पर मर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है बारदेस विला, जहाँ पर सैम ने उस टाइपराइटर को अपनी दोस्त की मदद से उसी जगह पर रख दिया है जहाँ पर उसे होना चाहिए। लेकिन इस बीच वहाँ पर जेनी पहुँच जाती है और उन लोगों से ये कहती है कि काफी रात हो गई और उन लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन इसके पहले वो उन लोगों को शाबाशी भी देती है कि उन लोगों ने टाइपराइटर को घर में लाकर बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ पर सैम को थोड़ी गड़बड़ लगती है, जिसके बाद सैम सीधे सीधे ये कह देती है कि ये निक की मॉम नहीं बल्कि वही भूत है। जिसके बाद निक सैम की बात ना मानकर जेनी के पास चला जाता है, जिसके बाद जेनी सैम और उसके दोस्तों से ये कहती है कि अब उन्हें उन लोगों की कोई भी जरूरत नहीं। और फिर सैम यहाँ पर गबरू को टाइपराइटर लेकर यहाँ से भागने की सलाह देती है। लेकिन इस बीच सैम अपने सीने पर हाथ रखकर सीधे फर्श पर गिर जाती है, जिससे हमें भी ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में जेनी वहाँ नहीं कहीं और ही है, और वो जो शख्स सामने खड़ा है वह एक्चुअल में भूत ही है जो सैम को उसी पुरानी टेक्निक से मारने वाला है। लेकिन इस बीच वहाँ पर असली जेनी पहुँच जाती है जो उन लोगों को रुकने के लिए कहती है, और पीछे अमित भी है जो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि ब्लड मून के वक्त जो सारी की सारी चीजें उसे चाहिए वो वहीं पर सही सलामत रखी हुई है, यानी बस देरी है तो ब्लड मून की, जिसके बाद रिचुअल को शुरू किया जाएगा। और दूसरी तरफ रवि मोजेस के घर पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें मोजेस काफी बुरी हालत में मिलता है, यानी मोजेस अब भी जिंदा है जिसे सही टाइम पर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और दूसरी तरफ अब रॉय के पास जेनी, टाइपराइटर और फकीर की वो डॉल भी है, यानी यहाँ पर जेनी की बलि देना है, क्योंकि फकीर को जिंदा करने के लिए जेनी का खून चाहिए, क्योंकि बचपन में जेनी के खून से ही फकीर फिर से जिंदा हुआ था। और अब यहाँ पर जेनी को मारने की जिम्मेदारी उसी की हमशक्ल ने ली है जो एक हिसाब से फकीर की गुलाम है। और उसके बाद ब्लड मून होते के साथ में ही रिचुअल को शुरू किया जाता है, जिसके बाद जेनी की हमशक्ल उसे उसके बचपन के बारे में बताती है कि एक्चुअल में गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर की बुक उसके ग्रैंडफादर ने नहीं बल्कि बचपन में उन लोगों ने ही लिखी थी। और यहाँ तक कि जब जेनी की मॉम उसे यहाँ से ले जाने वाली थी तो उसी की हमशक्ल ने जेनी की मॉम को मारा था ताकि जेनी को बारदेस विला से अलग ना किया जाए और ब्लड मून का वेट किया जाए। और जो कहानी फकीर ने इन दोनों से लिखवाई थी उससे फकीर ये चाहता था कि कोई फकीर पर विश्वास करने वाला ब्लड मून से पहले यहाँ पर पहुंचकर उसे आजाद करवाए, जो कि रॉय है जो फकीर पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है। फिर तो रिचुअल शुरू होने के बाद कमरे में अंधेरा बढ़ना शुरू होता है, जिसके बाद सैम की यहाँ पर दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने दोस्तों को एक प्लान बताती है। प्लान है रॉय को डिस्ट्रैक्ट करना और टाइपराइटर को यहाँ से लेकर भाग जाना। और ऐसा ही होता है,
गबरू रॉय को धक्का देता है, जिसके कारण सैम वहां से टाइपराइटर लेकर भाग जाती है, जिसके बाद गबरू अमित का रास्ता रोके बीच में खड़ा हो जाता है। लेकिन बड़ा होने के कारण गबरू भी ये बात जानता है कि वो अमित के आगे टिक नहीं सकता, जिसके बाद वो अमित को सैम का पीछा करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन उससे पहले सैम जेनी की हमशक्ल से सैम को पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जेनी अपनी हमशक्ल को रोककर उसे ये कहती है कि वो दोनों एक है और वो नहीं चाहती कि वो इस काम को करे, जिसके बाद अमित खुद उठकर सैम का पीछा करने चला जाता है। और दूसरी तरफ जेनी अपनी हमशक्ल से बुक में लिखी हुई कुछ बातों पर गौर करने के लिए कहती है, क्योंकि जिस टाइम पर उसकी हमशक्ल ने उससे इस बुक को लिखवाया था तो उस टाइम पर शायद उस हमशक्ल ने इस बुक को नहीं पढ़ा था, लेकिन बड़े होने के बाद जेनी ने इस बुक को पढ़ा था और उसे पता था कि वो हमशक्ल किस तरीके से काम करती है, यानी जो हमशक्ल की ताकत है वो ताकत जेनी की भी है और उसकी कमजोरी उन दोनों की कमजोरी है। और अब यहाँ पर जेनी अपनी खुद की हमशक्ल पर काफी ज्यादा भारी पड़ती है, जो उसे घसीटते हुए अपने विला के टॉप वाले कमरे में ले जाती है ताकि वो उसे वहाँ से बाहर फेंक सके, ठीक वैसे ही जैसे उसने जेनी की मॉम को यहाँ से फेंका था। और दूसरी तरफ अमित सैम का पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर रवि टाइम पर पहुँच कर ये बोलता है कि अपने साइज वालों से लड़ो। और फिर यहाँ पर हमें अमित और रवि के बीच फाइट दिखाई जाती है और दूसरी तरफ सभी बच्चे उस टाइपराइटर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइपराइटर नहीं टूटता, जिसके बाद सैम आग से जलाने की एडवाइस देती है। और दूसरी तरफ अमित ने रवि को मारकर बेहोश कर दिया है और वो बच्चों की तरफ बढ़ा है, क्योंकि बच्चे उस टाइपराइटर को लेकर कहीं और ही भाग गए हैं। और अगले सीन में हम जेनी और उसकी हमशक्ल को देखते हैं, जो विला के उसी ऊपर के कमरे में एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जेनी ने अपनी हमशक्ल का हाथ छोड़ दिया, जिस वजह से उसकी हमशक्ल जेनी पर भी भारी पड़ती है और जेनी को उठाकर खिड़की से नीचे फेंक देती है। पर जेनी नीचे गिरते वक्त एक छत को पकड़कर लटक जाती है, जिसके बाद उसकी हमशक्ल आगे आकर उससे ये एडवाइस देती है कि अब उसके खून की कोई भी जरूरत है नहीं, क्योंकि उसका खून उसके बच्चों में भी दौड़ रहा है, जिनसे वो खून को निकालकर फकीर को जिंदा कर लेगी। और दूसरी तरफ सैम और उसके दोस्त एक आखिरी छोर पर खड़े हैं, जहाँ से जाने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर रॉय भी पहुँच गया है, जो उन लोगों को टाइपराइटर ना फेंकने की सलाह देता है, वरना वो उन लोगों का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा करेगा। जिसके बाद बच्चे अमित की उस बात को मान जाते हैं, लेकिन इस बीच रवि अमित की ही वैन को लेकर उसे टक्कर मारता है, जिस वजह से अमित भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर सभी के सभी बच्चे इस टाइपराइटर को जलाने की सलाह देते हैं, जिसके बाद वो लोग इस टाइपराइटर को उस वैन में रखकर उस वैन की पेट्रोल की टाकी को लीक कर देते हैं। और इस दौरान अमित भी उठ जाता है, जिस वक्त वो सभी लोग मिलकर उस वैन को धक्का दे रहे थे ताकि वैन उस हिल की चोटी से सीधे नीचे गिरे और ब्लास्ट हो जाए। और उसके बाद रवि अमित से ये कहते हैं कि वो जाकर टाइपराइटर को ले ले, वरना टाइपराइटर सीधे नीचे जाएगा। इसके बाद अमित भी उठकर उस वैन की तरफ भागता है और देखते ही देखते अमित पहाड़ी से सीधे नीचे छलांग लगा देता है उस वैन के साथ, और रवि दूसरी तरफ लाइटर निकालकर उस वैन में आग लगा देते हैं, जिस वजह से वैन पूरी ब्लास्ट हो जाती है और वो टाइपराइटर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद रवि सभी के सभी बच्चों को लेकर बारदस विला पहुंच जाते हैं, जहां पर अब जेनी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी हमशक्ल टाइपराइटर के डिस्ट्रॉय होने के साथ में ही खुद भी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी यहां पर अब पूरी की पूरी सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक हो गई है और मुसीबत टल गई। लेकिन नहीं, सीजन 2 की शुरुआत करनी है, इसलिए यहां पर सीजन 2 की तैयारी की गई है। जैसे कि जेनी जब सुबह के वक्त फकीर की उस डॉल को जलाती है, तो डॉल जलते वक्त ही उठ खड़ी होती है और एक स्कल बन जाती है, जो सीधे बाहर निकलकर जेनी की तरफ बढ़ती है और जेनी उस स्कल को अपने पैरों से कुचल देती है। यानी देखा जाए तो वो डॉल नहीं बल्कि फकीर का एक पूरा का पूरा शरीर था, जिसे फकीर ने लकड़ी में कैद कर दिया था ताकि जब उसका शरीर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो एक नए शरीर को पूरी तरीके से रेडी कर दे। लेकिन अब फकीर का वो नया शरीर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी जिम्मेदारी कई सालों से मोसेस ने संभाली थी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोसेस अगर फकीर नहीं था तो उसके लिए क्यों काम कर रहा था, तो पहले उस पर नजर डालते हैं। जैसे कि जब जेनी छोटी थी तो उस दौरान जेनी ने फकीर को जिंदा किया था और फकीर ने जेनी के खून से ही उसके हमशक्ल को बनाया था, जिस हमशक्ल ने शायद मोसेस को अपने वश में कर रखा था ताकि अगर मोसेस ने जेनी की उस हमशक्ल का कहा नहीं माना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसी के डर से मोसेस कई सालों तक फकीर के इस काम को अंजाम देता रहा। यानी मोसेस को ये नहीं पता था कि जब माधव मैथ्यू मारा गया तो उसके मरने के बाद फकीर की आत्मा भी बारदेस विला से चली गई, क्योंकि टाइपराइटर को उसकी जगह से हटा दिया गया था। यानी एक अजीब सा क्वेश्चन जो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि मोसेस ने अपनी उम्र की आधी लाइफ खत्म कर दी और कभी भी ये नहीं सोचा कि वो बारदेस विला में जाकर ये चेक करे कि इतने सालों तक जेनी की हमशक्ल उससे मिलने क्यों नहीं आई। यानी एक बड़ा सा लूप। खैर, तो उसके बाद बढ़ते हैं इस एपिसोड की बाकी दूसरी कहानी पर, जिस कहानी में हमें दिखाया जाता है पीटर जो बारदेस विला वापस आ गया है, जिसे अब जेनी ने सारी की सारी इंसिडेंट्स बता दी है कि एक्चुअल में कल रात क्या क्या हुआ। और उस बीच जब पीटर अपने बाथरूम में होता है तो हम देखते हैं कि पीटर के कपड़े खून से लदे हुए हैं और ये शर्ट वही शर्ट है जिस शर्ट को लास्ट टाइम पीटर ने जेनी से बात करते वक्त पहना था। यानी यहाँ पर पीटर की अनीता और उसके हस्बैंड से मीटिंग थी, जिस मीटिंग के दौरान कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर पीटर की मीटिंग अनीता के हस्बैंड से हुई ही ना हो, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पर पीटर ने अनीता को अकेले
लिए बुलाया था, जिसके बाद पीटर ने यहाँ पर अनीता को मार दिया ताकि उसके हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, और वो यहाँ से निकल कर सीधे वापस गोवा यानी बारदेसविला चला गया ताकि कोई उस पर शक भी ना करे। यानी सीजन 2 में अनीता के हस्बैंड के आने के चांसेस है, जिसे डिस्क्राइब किया गया है कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, जिससे एक हिसाब से पीटर भी डरता है। यानी अगर पीटर अनीता के हस्बैंड से डरता है तो फिर उसने अनीता को यहाँ पर क्यों मारा, ये भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पीटर ने अनीता और उसके हस्बैंड दोनों को मार दिया है ताकि मुसीबत उस तक कभी पहुंचे ही नहीं। बट देखा जाए तो पीटर ने इतनी बड़ी गलती कर रवि को एक साफ साफ इंडिकेटर दे दिया है कि आगे चलकर रवि और जेनी एक हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से जेनी ने सैम को अपनी बेटी बनाया है और बीच बीच में रवि और जेनी की केमिस्ट्री हमें कुछ उसी तरीके की लग रही थी, और देखकर पीटर को ऐसा लग रहा था कि वो एक ईमानदार हस्बैंड है ही नहीं, और शायद सीजन 2 में पीटर भी एक हिसाब से विलन ही हो, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। यानी एक और ट्विस्ट जिसके शायद 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा कुछ होगा सीजन 2 में। और उसके बाद आ जाए एंड के अगले सीन पर, जहाँ पर जेनी अपने हस्बैंड को फ्रेश होने के लिए कहती है, जिसके बाद पिलर से ये सीन थोड़ा सा हटता है तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेनी उस जगह पर खड़ी ही नहीं है। यानी यहाँ पर जेनी नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है जो अब भी बारदेसविला में है। और अब ये चीज भी क्लियर नहीं हुई कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो टाइपराइटर को उसकी जगह से हटा दिया जाए तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर जब टाइपराइटर को बारदेसविला से हटाया गया तब भी जेनी यहाँ पर अपनी हमशक्ल से ही लड़ रही थी। यानी अगर देखा जाए तो ये भी एक लूप है, लेकिन उस लूप को छोड़कर आते हैं इस मिस्ट्री पर, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद जेनी की हमशक्ल ने जेनी को मार दिया और उसकी जगह ले ली। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम पर विला में दो जेनी है बट जेनी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ थोड़ा भटकाने के लिए और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया, और जेनी जैसी है वैसी ही बिल्कुल ठीक है, बस फ्रेम के बदलने से जेनी अंदर की तरफ आ गई। और बढ़ते हैं अगले सीन पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मोजेस, जो अब उन बच्चों से काफी ज्यादा खुश है, और एक हिसाब से मोजेस अब उन बच्चों का बेस्ट फ्रेंड है जो इन सभी की सभी मुसीबतों से निकल गया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वैन की हालत, जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है और टाइपराइटर भी, लेकिन अब भी अमित की थोड़ी सांसें बची हुई है, और उन आखिरी सांसों में वो उस टूटे हुए टाइपराइटर के पास आता है और अपनी सोल उस टाइपराइटर को देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, क्योंकि फकीर एक्चुअल में अमित का पिता है, जिस कारण से वो बारदेस वापस आया ताकि वो अपने पिता को फिर से जिंदा कर सके, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए अमित अपनी सोल उस टाइपराइटर को देकर फकीर को फिर से जिंदा कर देता है, ताकि फकीर पर कोई और विश्वास करने वाला आकर फकीर को फिर से जिंदा करे। और देखते ही देखते अमित वहां पर मारा जाता है और टाइपराइटर फिर से नया हो जाता है, जिसका मतलब साफ है कि सीजन 2 के स्टार्ट में ही इस टाइपराइटर को कोई यहां से उठा ले जाएगा। अब वो शख्स कौन होगा उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो शायद हो सकता है कि अनीता का हस्बैंड यहां पर आकर इस सिचुएशन को संभाले, या फिर वो शख्स पीटर हो सकता है। और उसके बाद आ जाए दूसरे सवाल पर, जो शायद सभी लोग अब सोच रहे होंगे कि जेनी के ही खून से फकीर को जिंदा किया जा सकता है, तो फिर इस टाइपराइटर को अमित ने कैसे ठीक किया? वेल, तो मुझे लगता है एपिसोड नंबर 2 में हमें इसकी डिटेल दी गई थी, जहां पर सभी के सभी बच्चे बैठे इसी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि अगर फकीर की आत्मा को जिंदा करना है तो उसे खून की जरूरत पड़ती है, वो खून जिसने फकीर को फिर से जिंदा किया था। और एक दूसरा तरीका भी है, और वो तरीका है कुछ सामने से कोई शख्स आकर फकीर को अपनी सोल देगा तो भी फकीर जिंदा हो जाएगा। तो शायद यहां पर एपिसोड के एंड में हमें वही चीज दिखाने की कोशिश की गई है। यानी देखा जाए तो अमित का कैरेक्टर भी सीजन 2 में रिटर्न आ सकता है, जो कि अब शायद फकीर के इशारे पर काम करेगा और इनाम के बदले में फकीर अपने खुद के बेटे को ही जिंदा करेगा। और एक लूप की बात करते हैं जो कि मोजेस से ही जुड़ी हुई है, कि अगर उस टाइम पर मोजेस को टॉर्चर फकीर का ही बेटा कर रहा था तो शायद ये पॉइंट भी गलत होगा, क्योंकि उस टाइम पर फकीर का बेटा अमित भी काफी छोटा था और वो बारदेस रिटर्न इसलिए आया है क्योंकि उसने अपने पिता की कहानी गोस्ट ऑफ सुल्तानपुर पढ़ी थी, जिस कहानी को बचपन में डेफिनेटली फकीर ने अपने बेटे को सुनाई थी। और उस कहानी को सुनने के बाद फकीर एक बार फिर से अपने पिता के साथ में पूरी तरीके से अटैच्ड हो गया और उसे पता था कि उसे यहाँ पर आकर अब क्या क्या काम करना है। यानी फकीर के बेटे अमित का अपने पिता में विश्वास, जिसकी उम्मीद खुद फकीर को भी थी, और इसीलिए फकीर ने अपनी बुक जेनी से लिखवाई ताकि ये बुक उसके बेटे अमित तक पहुंच सके, जिसे पढ़कर वो बारदेस आ गया और उसके बाद अपने कामों को अंजाम देने में लग गया। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ी कंफ्यूजन पर आ जाए तो शायद हो सकता है कि अमित को इन सभी के बारे में उसकी माँ ने बताया हो कि किस तरीके से उसके पिता को मारा गया और उनकी लाश को बारदेस में ही कहीं पर छुपा दिया गया, जिसके बाद अमित को पता था कि बारदेस आकर उसे किन किन लोगों से बदला लेना है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिन बातों को मैं लूप्स कह रहा हूँ उन्हें फिलहाल के लिए लूप्स नहीं कह सकते, तब तक जब तक सीजन 2 में हमारी सारी की सारी बातें क्लियर ना हो जाए। और अगर सीजन 2 में फाइनल एपिसोड बनाकर पूरे के पूरी चीजों को खत्म कर दिया जाए और इन सवालों का जवाब अगर हमें नहीं मिले तो फिर ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी डायरेक्टर और राइटर की मिस्टेक, जो कि मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों ने की होगी। बस अगर जो मिस्टेक है वो है इसके फाइनल एपिसोड के एंड से पहले की, जहां पर सैम उस टाइपराइटर को ले जाकर उसी की जगह पर रखने की बात करती है। ये चीज थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि अगर पूरे के पूरे मैटर को सॉल्व कर लिया गया है तो
फिर से उंगली कर उसे जगाना क्यों, जो कि इसके इस फाइनल एपिसोड में किया गया है। खैर तो अब जैसे कि मैंने कहा, हमें वेट करना पड़ेगा इसके सीजन 2 का, जिसके आने के बाद हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस के हमें जवाब मिलेंगे। और अगर अंदाजे की बात किया जाए कि हमें इसका सीजन 2 कब तक देखने मिलेगा, तो जिस तरीके का इसका प्रोडक्शन है उसे देखकर तो यही बात पता चलती है, ये प्रोडक्शन बहुत ही जल्दी शुरू हुए है और बहुत ही जल्दी खत्म, जिसके अंदाजे से मुझे लगता है हमें इसका सीजन 2 2020 के एंड तक देखने मिलेगा। वेल तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स के इस शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।